गाजा में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बीच इसराइल के लिए बुरी खबर सामने आई है। इजरायली सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना के चलते दो सैनिकों की मौत हो गई, वहीं विमान में बाकी जवान हादसे के चलते बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। ये घटना बीते मंगलवार 10 सितंबर की रात दक्षिणी गाजा में हुई। हादसे की खबर लगते ही इजरायली सेना की रेस्क्यू टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव के काम में जुट गई। news.az ने स्थानीय मीडिया के हवाले से इस हादसे की जानकारी दी। बताया गया कि इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना को महज एक एक्सीडेंट बताया है। इजरायली एयरफोर्स की ओर से की गई शुरुआती जांच में सामने आया कि 123वें स्क्वाड्रन से एक UH-60 ब्लैक हॉक को यूनिट 669 की मेडिकल टीम के साथ रफा भेजा गया था, ताकि इलाके में चल रही लड़ाई के बीच एक गंभीर रूप से घायल इंजीनियर को निकाला जा सके। आपको बता दें कि जिस इजरायली इंजीनियर को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया, वह एक स्नाइपर ऑपरेशन में घायल हुआ था। बताया गया कि यह दुर्घटना रफा में इजरायली बलों के कैंप के अंदर रात करीब 12:30 बजे हुई। जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तो उसका संतुलन बिगड़ गया और क्रैश हो गया। दुर्घटना की शुरुआती जांच की माने तो हेलीकॉप्टर आसानी से उतरने की बजाय जमीन से टकराया। जांच में ये भी पुष्टि हुई कि हेलीकॉप्टर पर दुश्मन की गोलीबारी नहीं हुई थी। दुर्घटना लैंडिंग से ठीक पहले हुई थी, जिससे पता चलता है कि यह बहुत ऊंचाई से नहीं गिरा था। दुर्घटना में हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग हताहत हो गए। कुल मिलाकर 2 सैनिक मारे गए और बाकी 8 को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें से 4 जवानों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं इजरायली वायुसेना प्रमुख जनरल तोमर बार ने यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया कि हेलीकॉप्टर सही तरीके से उतरने के बजाय शिविर में जमीन से क्यों टकराया। हालिया दुर्घटना में जान गंवाने वाले सैनिकों को मिलाकर अब तक इजरायल के कुल 344 सैनिक गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। गौरतलब है कि बीते साल 27 अक्टूबर को जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से इजरायल बड़े पैमाने पर गाजा में संघर्ष कर रहा है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इजरायली सेना नियमित परिवहन मिशनों और सैन्य अभियानों के दौरान सैनिकों को उतारने और चढ़ाने के लिए करती है। गाजा में युद्ध के दौरान भी इस हेलीकॉप्टर का अक्सर इस्तेमाल होता आया है। इस विमान को गाजा के अंदर से घायल जवानों को निकालने के लिए किया गया है। एक आंकड़े की माने तो इससे करीब 2000 घायल सैनिकों को इसराइल के अस्पताल में ले जाया गया है। बहरहाल गाजा में हालात अभी भी बहुत बेकाबू बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ताजा घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है, नागरिकों की सुरक्षा और हिंसा को कम करने के लिए उपाय करने का आह्वान कर रहा है।